गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई होप यू ऑल आर फाइन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक डिजीज एट होम योर एट अ होम. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर ऑनलाइन क्लास एंड वी विल स्टार्ट विद आर बेसिक ग्रामर टॉपिक दैट इज डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स को हम हिंदी में निर्धारक भी कहते हैं. बेसिकली अगर हम जनरली मीनिंग देखें डिटर्मिनर का तो डिटर्मिनर्स वो टू मीन्स फॉर्मली और प्रिसाइजली किसी चीज़ के बारे में एकदम फॉर्म होना. बट इन इंग्लिश लैंग्वेज डिटर्मिनर्स आर यूज एज अ क्वालिफाइंग वर्ड एज इट क्वालिफाइज अ नाउन. ये एक क्वालिफाइंग वर्ड की तरह यूज आते हैं क्योंकि ये नाउन की विशेषता है, क्वालिफाई उसको क्वालिफाई करते हैं. दे आर ऑलवेज यूज बिफोर नाउन एंड अगर उस पर एक एडजेक्टिव दिया हुआ है, एडजेक्टिव भी एक तरीके से नाउन की क्वालिटी बताते हैं. बट उनके पहले हम क्या यूज़ करते हैं? डिटर्मिनर्स. एक एग्जाम्पल देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल एन ऑनेस्ट मैन. यहाँ पे ऑनेस्ट है एडजेक्टिव क्योंकि ये उस मैन की क्वालिटी बता रहा है. बट यहाँ पर मैन सिंगुलर है या प्लूरल है वो हम एन से पता करेंगे. एन एक तरीके का डिटरमाइनर है. एन वैसे तो आर्टिकल्स में आता है बट इट कम्स अंडर डिटरमाइनर्स. नाउ वी विल मूव टू टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स. बेसिकली देयर आर 7 टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स. फर्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, पजेसिव डिटर्मिनर, थर्ड इज क्वालिफाइंग डिटर्मिनर, फोर्थ इज न्यूमरल डिटर्मिनर, फिफ्थ इज आर्टिकल्स, सिक्स्थ इज क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर्स एंड द लास्ट इज इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स. वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. नाउ टुडे वी विल डिस्कस डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स आर दोज विच आर यूज टू पॉइंट आउट अ नाउन और अ थिंग, जो पॉइंट आउट करने के काम आते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज एंड दोज. These are the example of demonstrative determiners. These are used before a noun to determine its position. ये हमेशा noun से पहले use में आते हैं तो उसकी position को define करने के लिए कि वो चीज़ या जो वो noun है वो near है या far है, या तो वो pass होगा या दूर होगा. Now the basic difference between this, that, these and those is that this और these आता है जो चीज़ें हमारे पास होती है या फिर जो हमारे present में होती है उनके लिए हम use करते हैं this and these. That and those उन चीज़ों के लिए use में आता है या उन nouns के लिए use में आता है जो हमारे से दूर होती है. They are far away from us और they are not at present, हमारे पास present में नहीं होती है. Let's see an example. This book is good. जो प्रेजेंट में अगर हमारे पास कोई बुक है तो दैट बुक इज़ गुड. तो ये इसलिए हमने इसका यहाँ पर दिस का यूज़ किया है. नाउ दैट बुक वॉज यूजलेस. जो बुक थी वो प्रेजेंट में हमारे पास नहीं है या फिर वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमने किसका यूज़ किया है यहाँ पे? दैट. सो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. नाउ द सेकेंड इज पजेसिव डिटर्मिनर्स. दीज एक्सप्रेसन पजेशन. पजेशन होता है रिलेशन ऑफ अ नाउन और थिंग्स विथ अदर नाउन और थिंग्स, या वो हमारा एक नाउन से दूसरे नाउन या किसी थिंग के साथ हमारा रिलेशन बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर आर द एग्जाम्पल ऑफ पजेसिव डिटर्मिनर्स. फॉर एग्जाम्पल माई बुक इज ऑन द टेबल. किसकी बुक टेबल पर है? माई. इट शोइंग द बुक रिलेशन विथ मी. किसकी बुक है वो? मेरी बुक है. सो दिस इज ऑल फॉर टूडे. वी विल डिस्कस द लेटर टाइप्स इन आर नेक्स्ट क्लास. यू हैव टू राइट दीज इन योर कॉपीज. थैंक यू.